टीम इंडिया रा पेशर बोलर मोहम्मद शमी को पई बढुची अडुआ मैच फिक्सिंग रे संपृक्ति नै शमी को स्त्री हसीन जहां का अभिजोग परे बीसीसीआई रा एंटी करप्शन यूनिट बा एसीयू ए मामला रा जांच करूची सप्ताह को भीतर यहां रा जांच पई निर्देश दैछंती सुप्रीम कोर्ट को द्वारा गठित क्रिकेट प्रशासनिक कमिटी रा मुख्य विनोद राय शमी को चुक्ति रो बाहर करा जायतिबा बेले तांका भविष्यत नै मध्य प्रश्न उठिची सबडे आपोस समाधान रा संभावना शेष होईची विवाद परे तांकर परवर्ती पदक्षेप नै शमी को सहित अधिक आलोचना करिछंती सहयोगी विमल कुमार शमी आप क्रिकेट के मैदान पर तो आपने इतना तनाव झेला हर बार उभर कर आए हैं ये तनाव जिस तरह की चीजें हैं हर कोई मतलब चलिए मैं बात पर निजी मुद्दे पर आऊंगा जो कि क्रिकेट प्रेमी है उसको लगता है कि मोहम्मद शमी अब क्रिकेटर के तौर पर हमें मिलेगा कि नहीं भारत को देखिए जहां तक फैमिली का ये विवाद का सवाल है ये हर फैमिली में विवाद होते हैं लेकिन ये कुछ उससे ज्यादा कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा हो गया इस चीज में सो एक विवाद एक अलग चीज है क्रिकेट एक अलग चीज है तो आप अगर इस चीज को दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर अलग अलग दोनों वे जाएंगे कि हाँ दोनों का कोई मैच नहीं करता एक दूसरे से फैमिली मैटर अलग है और क्रिकेट मैटर अलग है मुझे उम्मीद है जहां तक क्रिकेट का मैटर है जहां तक जो मुझ पर इल्जाम लगाया गया है मैं उसमें बेगुनाह साबित होऊंगा और जल्दी से जल्दी अपने सारे फैंस को ग्राउंड पे देखने को मिलूंगा आपको लगता है ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि मोहम्मद शमी का नाम मतलब जो होम फ्रंट पे जो हो रहा है लेकिन ये तो अब आपकी क्रिकेट पे ये आग जो है आपकी क्रिकेट की तरफ पहुंच रही है देखो जहां तक आरोप लगने का सवाल है और करियर पे ठप्पा लगने का सवाल है मैं जानता हूं कि मैं निर्दोष हूं मैंने कोई ऐसा काम देश के खिलाफ किया ही नहीं है और ना मैं कभी इस चीज के लिए सोच सकता हूं कि मैं ऐसा अपने देश के खिलाफ जाकर करूं या फिर ऐसी बदनामी और ऐसा ठप्पा मैं अपने देश के लिए लगाऊं मैं इस काम को कभी नहीं कर सकता और जहां तक ये क्रिकेट का सवाल है मैं दिल और जान से खेलता आया हूं खेलता रहूंगा हमेशा हमें बीसीसीआई के सूत्रों ने कहा कि भाई बीसीसीआई आपकी आज 2.5 घंटे पूछताछ हुई गुरुवार को दिल्ली में शाम में एक गुप्त जगह में क्या पूछा गया कैसे आप इस दौर से कभी सोचा था कि जिंदगी में ये लम्हा भी आएगा ऐसे देखो ये एक इंक्वायरी वाली बात है ये हम दोनों मेरी और बीसीसीआई की बात है क्या वो मुझसे पूछते हैं क्या या नहीं ये हमारा कॉन्फिडेंशियल मामला है और मुझे पूरी उम्मीद है बीसीसीआई पे कि बीसीसीआई जो भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी फैसला लेगी वो अच्छे के लिए लेगी और मुझे वो मंजूर है लेकिन शमी कई लोगों को ये लगता है कि जब आप एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट चीज है बात अगर आप चार शब्द अगर जोड़े दुबई मोहम्मद भाई पैसे ये अपने आप में एक फिक्सिंग वाला जो एक सबसे वर्स्ट वर्ड है क्रिकेट का उसकी तरफ ले जाता है आपको लगता है भाई बहुत बड़ा डैमेज हो गया मतलब इसके नतीजे चाहे मतलब एक पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जब तक एंटी करप्शन तहकीकात करेगी चीजें आएंगे सामने आपको लगता है कि आपकी रेपुटेशन पे बहुत बड़ा एक धब्बा लग जाएगा जी देखो धब्बा तो लगा चुके और एक ऐसे इंसान ने लगाया है जो जिंदगी में मतलब जो सबसे बड़ा माना जाता है जो एक जीवन साथी होता है जो पार्टनर होता है उसने एक ऐसा धब्बा लगाया ये सबसे बड़ी शर्म शर्म की बात है किसी भी इंसान के लिए वो चीज जो इंसान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता और जहां तक ये कनेक्शन होने की सवाल है कहां तक ये मैच करने का सवाल है देखो ना तो किसी कंट्री से कोई मैच का सिस्टम होता है ना किसी दुबई से या मोहम्मद भाई से किसी का होता है ना मेरे नाम से किसी को जोड़ा जा सकता है इसे तो मैं इस चीज को चाहता हूं मैं खुद पिछले इंटरव्यूज में मैं कह चुका हूं इस बारे में तो ये मोहम्मद भाई हैं कौन आपने कभी खुल के ये नहीं बताया बार बार वो आपकी पत्नी बार बार बोल रही है कि ये मोहम्मद भाई के बारे में पूछिए पैसे किस चीज के थे मोहम्मद भाई को सारे लोग जानते हैं पूरे टीममेट्स जानते हैं और जो इल्जाम लगा रहे हैं शायद आपने देखा भी होगा कि इंटरव्यू में एक दिन पहले उन्होंने ये भी बोला था कि मोहम्मद भाई पांचों टाइम के नमाजी इंसान है उनकी फैमिली पांचों टाइम की नमाज पढ़ती है ये जहां ट्रेवल करते हैं वहां भी ये नमाज अदा करते हैं इनसे अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता नेक्स्ट डे उन्होंने उनको फिक्सर साबित कर दिया तो ये वो खुद आपकी पत्नी जानती थी मोहम्मद भाई को पहले से जी ये लेकिन वो तो बोल रहे हैं अनजान है ये खुद भली भांति उनको जानती है तब के जब ये इंग्लैंड में लैंड होती हैं वो उनको पिक करते हैं ये डेली डिनर पे उनके साथ जाती हैं खाने के लिए उनकी फैमिली के साथ शॉपिंग करती हैं उनके घर पे जाती हैं हालांकि इतना ही नहीं जब ये वापस आती हैं तो वो मैनचेस्टर से लंदन इनको अपनी वाइफ के साथ ड्रॉप करने आते हैं आज वो कहती हैं मोहम्मद भाई फिक्सर हैं तो आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने ये सवाल मेरे सामने भी एक क्वेश्चन मार्क लगाकर खड़ा है कि ऐसा क्यों जब आप एक इंसान को इतना मोहब्बत करते हैं
या इतना प्यार नहीं, करते लेकिन हैं। वो तो कह रही है कि आप मारपीट करते थे, आपके पूरे परिवार वाले उन पर अत्याचार करते थे, उन सब चीजों को कैसे डिफेंड करेंगे आप कह रहे हैं ये आपका दावा है। देखिए ये वो बहुत सारे इल्जाम लगा चुकी हैं, अब उनको साबित करना है कि ये इल्जाम रियल हैं या झूठ, क्योंकि जो सबूत और जो चीज मैं आपको दूंगा उसको ये भी इग्नोर नहीं कर सकती, ये इनकार नहीं कर सकती कि हाँ ऐसा नहीं हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो पहले से क्यों नहीं था। इनका कहना है कि पिछले 3-4 साल से मेरी फैमिली इन पर अत्याचार कर रही है, तो वो अत्याचार आज तक सामने क्यों नहीं आया। नहीं, उन्होंने उनकी उनकी दलील है कि वो टॉलरेट कर रही थी, वो चाह रही थी कि किसी तरह से घर बस जाए, उनका कहना है कि पानी सर से ऊपर चला गया, हद हो गई, तब उन्होंने ये फैसला कदम तो उठाया। ये उनका कहना है कि पानी सर से ऊपर चला गया, पानी सर से ऊपर तब गया, तब उनके पास कोई नहीं था। एक दिन पहले आप होली मनाते हैं, आप मुझे उनकी पार्टी में ले जाते हैं, उनके फ्रेंड्स की पार्टी में ले जाते हैं, आप पिक्चर्स खिंचाते हैं, आप इंटरव्यू में उसी होली वाले दिन आप कहते हैं समी जब होते हैं तो मुझे ईद हो जाती है, सडनली जब कोई नहीं है तो आपकी सर से ऊपर पानी निकल जाता है। नहीं तो फिर मामला बिगड़ा कैसे, जब आप, वही तो हैरानी हो रही है, ये जो उन आपकी पत्नी का जो बार बार जो एक सबसे बड़ा अगर आरोप देखा जाए कि उन्होंने उनका कहना है कि उन्होंने आपका फोन पकड़ा और फोन में जो आपकी चैट्स थी अलग अलग महिलाओं के साथ, इस तरह की बातें उन्होंने कहा, और वो उनका कहना है कि ये किसी भी पत्नी को बर्दाश्त नहीं होगा कि उसका पति एक साथ नहीं मल्टीपल उनके पार्टनर्स हैं, और ये मतलब क्या कहा जाए धोखेबाजी का मामला उन्होंने कहा, उन्होंने कहा ये हद क्रॉस की, इसको कैसे आप डिफेंड करेंगे। वो तो आपके चैट सारे डाल, जहां तक चैट्स और जहां तक मैसेजेस का सवाल है, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत इजी हो चुका है ये भी, और जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड इनके पास हैं, तो ये जो चाहे कर सकती हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो आप जो आपके जो चैट्स हैं या आपके फोन में जो ये दिखा रही है वो आपके नहीं है, वो आपकी पत्नी भी, जब मेरा फोन नहीं है, मेरा नंबर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं लेकिन आप कैसे प्रूव करेंगे अगर अब ये जिस, ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूफ उनको करना है कि ये मेरा फोन होगा तभी जब मेरे अकाउंट से होगा, बिल मेरे नाम होगा, नंबर मेरे नाम होगा। तो मतलब आप जो वो फोन के पर जितने चैट के जितने लड़कियों के नाम आप सरासर डिनाई कर रहे हो, आप कह रहे हो कुछ नहीं है। देखिए ये चीज बहुत इजी हो गई आज की दुनिया में, सवाल किसी पे लगाना, इल्जाम किसी पे लगाना आजकल के हमारे इस इंडियन कल्चर में बहुत ईजी है। जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, लास्ट 2 साल से आप देखते आ रहे हैं कि ये ट्रॉलिंग का जो सिलसिला चल रहा है, बार बार कपड़ों को लेकर, बार बार दीन को लेकर, बार बार कास्ट को लेकर, बार बार झंडे उठते रहते हैं, और कोई भी आता है मुंह खोल के चला जाता है, किसी का आज तक कोई सोशल मीडिया के जो बैकग्राउंड में काम करते हैं आज तक सोशल मीडिया ने किसी को नहीं पकड़ के लाए। तब के मैंने इस चीज का रिक्वेस्ट भी किया था कि ये ट्रॉलिंग का सिलसिला किसी दो बंदों को तो पकड़ो, आज तक कोई सामने नहीं आया। तो देखो इस पे बिलीव करना बहुत मुश्किल है। नहीं लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तानी लड़की जो अलिशबा है उसका नाम वो बार बार कह रही है, वो बार बार कह रही है, फोन कॉन्वर्सेशन दिखा रही है, वो बोल रहे हैं कि भाई आपसे, उन्होंने एक क्लिपिंग ऑडियो क्लिपिंग भी डाली, उन्होंने बोले कि देखिए पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रख दी कि शमी से पूछ रही है, उसके पास जवाब ही नहीं। देखिए जहां तक लड़कियों का सवाल है, फैंस बहुत होते हैं, फ्रेंड बहुत होते हैं, देखने का नजरिया अलग होता है। दूसरी चीज जहां तक लड़कियां जोड़ने का सवाल है मेरे साथ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं इनकी तरह किसी को बदनाम नहीं कर सकता। इन्होंने वो हद पार कर दी है कि जो घर में एक नौकर काम कर रही है उस पे भी मेरे लिए इल्जाम लगा दिए हैं। तो क्या उनका आपके मतलब आप जो कह रहे हो, जिस दिन से शादी हुई है मैं अपनी सगी बहन से, अपनी माँ से, अपनी भाभी से अगर मैं बात करता हूँ तो इनको शक नजर आता है, अगर मैं किसी मोहल्ले में किसी रिश्तेदार से बात करता हूँ तो इनको शक नजर आता है। ये शक की हद इतनी चली गई है, इतनी चली गई है कि कहीं मुझे लगता है किसी दिन ये ना कहते मैं किसी आदमी से बात कर रहा था तो उसमें भी मेरा कोई मतलब था। लेकिन उनका ये भी आरोप है कि आप उनका ख्याल नहीं रखते थे, पैसे नहीं देते थे, उनके नाम पे अकाउंट नहीं, आप इतने पैसे कमाते हो, सारी चीजें हैं, इनसिक्योरिटी उनको हो गई थी। किस वे में भाई, आप उनका कहीं आपका अकाउंट में नंबर नहीं है, किसी प्रॉपर्टी में आपकी है, उनके साथ देखिए अकाउंट में, जहां तक नंबर का सवाल है, अकाउंट में जोड़ने का कोई सवाल नहीं बनता आदमी को, क्योंकि मेरा पैसा सीधा बीसीसीआई से आता है और बीसीसीआई से ही कनेक्टिंग चीजों से पैसा आता है, आईपीएल हो, तुम्हारा डोमेस्टिक हो, आप पैसे नहीं देते। दूसरी चीज आप रिकॉर्ड्स उठाकर देख सकते हैं एवरी मंथ कितना अमाउंट आता है, कैश में आता है,
जो घर के खर्च के लिए आता है, आप मेरा अकाउंट, एक जो मेरा पर्सनल डेबिट कार्ड है वो ये यूज करती हैं। आप देख सकते हैं जहां भी ये जाती हैं ये वहां यूज होता है। दूसरी चीज, ब्लैंक चेक इनके पास है मेरे साइन हुए, भरे हुए चेक, कंप्लीट चेक इनके पास है मेरे, अकाउंट इनका मेरे सेम एक्सिस बैंक में अकाउंट है, मेरे अकाउंट से इनके अकाउंट पे भी ट्रांसफर होते हैं। जहां तक पैसा देने का सवाल है, आप ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, लास्ट 8 महीने 1 साल के अंदर 1 से 1.25 करोड़ रुपए का खर्च इनके ऊपर है। इन्होंने कहा है कि मुझे घर के खर्च के अलावा कुछ नहीं देते। आप मेरे फोटोज निकाल के देख लीजिए, आप मेरी पिक्चर्स जितनी भी व्हाट्सएप में भेजी गई हैं, जितने सामान की पिक्चर्स हैं, गोल्ड की पिक्चर्स हैं, डायमंड्स की पिक्चर्स हैं, शॉपिंग की पिक्चर्स हैं, हालांकि पॉलिसी इन्होंने करा रखी है, लैंड इनके नाम है, घर इनके नाम है, अकेली घर में रहती हैं, 3 नौकर 1 ड्राइवर 4 गाड़ियां इनके पास हैं, तो कहां से कि मैं जान दे दूं।